व्यापारियों को अच्छी सेवा देंगे, सब दिशाओं में सब तरह से फैले। उन्होंने ना तो समाजवादी सरकार में समाजवादी पैकेट बांटे करते थे, जिसमें आटा था, चावल थे, आलू था, सरसों का तेल भी था, और कभी गरीब ने नहीं सोचा होगा कि सरकार की तरफ से घी और दूध का बिल फाड़ू भी मिल जाएगा। समाजवादी लोगों ने उस पैकेट को बांटने का काम किया। था जो स्वागत में कार्यक्रम कर रहे थे बिरादरी के लोग, मुझे याद है ललितपुर में जब हम लोग समाजवादी पैकेट बांटने आए थे सूखा के समय पर। सूखा के समय पर यहाँ पर बड़े पैमाने पर किसानों का नुकसान हुआ, और ऐसी तस्वीर देखने को मिली कि जहाँ पर लोगों पर खाने को कुछ नहीं था, जिस समय समाजवादी सरकार थी, एक अंग्रेजी चैनल ने भी ये दिखा दिया। यहाँ बुंदेलखंड में कुछ ऐसे लोग हैं जो घास की रोटी खा करके जीवन जीवन जी रहे हैं। हमें दुख हुआ समाजवादियों को, और वो तस्वीरें देख करके उसी समय फैसला लिया कि सरकार के खजाने से हमें कितना भी पैसा देना पड़े, लेकिन बुंदेलखंड की जनता को भूख से निजात दिलाने का काम समाजवादी लोग करेंगे, आगे बढ़ाने का काम करेंगे। अपने किसानों के लिए हमें कोई फैसला लेना पड़े, किसान को खुशहाल बनाने के लिए नई से नई योजना लानी पड़ेगी। हम किसानों को खुशहाल बनाने के लिए नई योजना लेकर आए और अपने मेहमानों से कह करके जा रहे हैं। समाजवादियों ने काम करना शुरू कर दिया था, अच्छी पढ़ाई हो, अच्छी पढ़ाई के बाद अच्छी ट्रेनिंग हो जाए, तब जाकर के नौकरी और रोजगार मिलेगा। इसीलिए समाजवादियों ने लैपटॉप भी बांट करके दिखा दिए थे, जहां भी समाजवादियों के लैपटॉप पटे होंगे। आज भी उस गांव में समाजवादी पार्टी का लैपटॉप चल रहा होगा, लैपटॉप खराब नहीं हुआ होगा, और जब उसको ऑन करते होगे तो पाते होगे कि नेताजी और हमी लोग दिखाई देते हैं, जब ऑन होता है लैपटॉप कोई दूसरा नहीं दिखाई देता। समाजवादियों ने लैपटॉप बांट दिए थे, और ये मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम अब नौजवानों को टैबलेट देंगे, स्मार्टफोन देंगे। नौजवानों पूछो और मुख्यमंत्री जी से 4.5 साल से कौन सी टैबलेट दे रहे थे हमें, जो अभी तक नहीं बांट पाए, टैबलेट दी 4.5 साल से टैबलेट ही नहीं दे पाए, और ये मुख्यमंत्री क्यों देंगे आपको लैपटॉप? क्योंकि ये मुख्यमंत्री लैपटॉप चलाने नहीं जानते। तो बताओ नौजवानों के भविष्य बेहतर बनाने के लिए लैपटॉप नहीं दे सकते। इसलिए आपसे पूछने आए हैं, बताओ आप योगी सरकार चाहते हो कि योगी सरकार चाहते हो? योगी सरकार होगी तो पढ़ाई का इंतजाम होगा अच्छी, रोजगार का इंतजाम अच्छा होगा, और पढ़ने वाले बच्चों के हाथ में लैपटॉप देने का काम भी योगी सरकार करेगी। योगी सरकार